क्या हुआ भाई, बर्फबारी तुम पर ही हो रही है क्या? बिस्मिल्लाह, मजेदार। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, तो आज हम फिर हाजिर हो गए हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपका भाई एकदम जबरदस्त फिट जिंदाबाद। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा आज तुम नाश्ते पर चलते हैं, तो बस भूख लग रही है, नाश्ते पर चलते हैं, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ता करने तो जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें नाश्ता की सीरीज बना देते हैं, हैदराबाद के जो भी मशहूर पॉइंट हैं उन पे जाके हम नाश्ता ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा लगता है, फिर आपको बताएंगे दिखाएंगे। इससे पहले खाता चौक पे हमने नाश्ता किया था, वो वीडियो इधर आ रही होगी, तो आज हम नाश्ता करने चलते हैं हम। तो भाई अभी काशन भाई को पिक करना है, उन्हीं के साथ नाश्ते पर जाना है, तो चलिए उनको पिक करने चलते हैं। तो भाई काशन भाई को लेने आ गए हम, काशन भाई आ गए हमारे। वालेकुम, क्या हाल है जनाब? सलाम, ठीक। चलो भाई, बर्फबारी तुम पर ही हो रही है क्या? हाँ भाई, सुबह सुबह में टाइम है, रात इतनी तो सही है, सही चल रही है, सही है, ठंडी हवा तो है। भाई कहाँ जाना है नाश्ते में, पहले ही बताओ, चलते चलते डिसाइड करते हैं। मैं सोच रहा हूँ इधर 6 नंबर चलते हैं, मरकज़ी शीरी है ना, उधर का नाश्ता ट्राई कर लेते हैं, करीब भी है। ठीक है, तो चलिए मरकज़ी शीरी चलते हैं। हाँ तो भाई मरकज़ी शीरी पर आ गए। यार वैसे ये चना साग नाश्ता, मतलब कि नाश्ता करने का जो टाइम है ना, तो है ही सुबह का, मतलब ये जो हलवा और चना होता है ना, ये बस आप यहीं पर आकर खाओ तो सही रहता है, या आप पार्सल लेके जाओ ना घर पे, वो मज़ा नहीं आता जो इधर आ रहा है अभी। पूरी उतर दी है, गरम गरम चना साग आ रहा है, अभी पराठा ऑर्डर किया वो आएगा, फिर हलवा भी खाएंगे पूरी के साथ, नमकीन और मीठे का टेस्ट तो है ना जवाब। भाई पराठा आ गया, पराठा चेक करते हैं कैसा है, गर्म हो रहा है अभी तो। पहले काशन भाई से पूछ लेते हैं नाश्ता कैसा लगा उन्हें। हाँ काशन भाई कैसा लगा? यार अच्छा तो था, फिर वैसे तो ट्राई तो करते रहते हैं, वे तो अपने फर्स्ट टाइम हुआ तो यार अच्छा तो है यार। अच्छा खाता चौक वाला नाश्ता और ये नहीं, लेकिन खाता चौक वाला था इसके तो वाली बात है, खाता चौक वाला भाई इतना अलग है, कहीं भी बुरा नहीं है, ये यहाँ का रास्ता ही लाल है, अमर के जो मेन गेट है उसके अपोजिट ही रोड आता है, ये रोड आ रहा है इधर ही आपको मिल जाएंगे। तो बस अभी हमने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया, बड़ा बेहतरीन किस्म का हो गया, पेट पूजा हो चुकी है हमारी, बस अब चलते हैं घर की तरफ। 6 hours later। तो जी गाइस, नाश्ता करके मैं घर पर तो आ गया था, अभी हम सरप्राइजिंगली ब्रॉडवे पर आए हैं, हमारे बादल भाई ने हमें ट्रीट देने के लिए इधर बुलाया था। भाई हमारे बादल भाई हमें ब्रॉडवे पर लेकर आए ट्रीट देने के लिए, इतना जलालत के बाद आई थिंक ब्लॉग में बनती थी ट्रीट, तो आज हम वो दे रहे हैं, पीयर प्रेशर में आके दे रहा हूं बाय द वे। जो अगर मैं 3 अलग से लाके जमा करूँगा सबके लिए, उसमें ये होगा फ्लेवर ज़्यादा होगा उसमें, देखो आई डोंट माइंड, मैं दोनों का नहीं लेती भाई, जो बेहतर लगे एंड बड़ा प्रोफेशनल तरीके डिसाइड करने का। इधर अक्कड़ बक्कड़ बंदे को 80-90-100 से निकला था आगा छी इसमें आया यार, चलो अरबी ग्रंच कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं, चलो शिकागो फोल्ड कर लेते हैं, मुगलाई कर लेते हैं, अरबी ग्रंच कर लेते हैं। भाई पिज्जा का ऑर्डर दे दिया, जिपो भाई भी आ गए, जिपो भाई चल भी रहा है करके बता भाई भाई ब्लॉग करना हो गया भाई, ब्रांड में क्या हाल है, कैसे आना हुआ? अचानक
हमें डाल नहीं देना है बादल भाई, बादल इब्राहिम को बुलाया था आपने? जी बुलाया था बिल्कुल। गलत बात नहीं कर रोशिद भाई, इनविटेशन के साथ लेकिन मैं आया अचानक से और तुम डाल दिया था। One eternity later. Finally, pizza आ चुका है। हम pizza खाते हैं। हम pizza देखो। हाँ तो भाई pizza वगैरह खा के फारिग हो गए हम। अब बारी है pizza की review की। अच्छा यार, तो पहले हम बात करेंगे अपने आजम दिक्कत की। आजम दिक्कत बड़ा ही बेसिक था, इतना कोई इंटेंस फ्लेवर नहीं था उसका मेरे हिसाब से। इज इट वर्थ इट? और भी आपको फ्लेवर मिल सकते हैं इसके अंदर, मेरे ओपिनियन के अंदर। अच्छा बात करते हैं मुगलाई बिस्ट की। मुगलाई बिस्ट में थोड़ी सी एक अलग से एक स्पाइस का किक मिल रहा था मुझे, बट आजम दिक्कत और मुगलाई बिस्ट में इतना कोई फर्क नहीं फील हो रहा था हम सबको, इतना कोई डिफरेंस नहीं था। अगर हम अरबी टैंस की बात करें, सबसे डिस्टिंक्ट फ्लेवर उसका ही था। ऑफकोर्स रॉयल फ्लेवर है तो आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि भाई अच्छा फ्लेवर है, और 100 रुपीज़ आपको ऐड करने पड़ते हैं जब आप रॉयल फ्लेवर ऑर्डर करते हो इनके। सो ओवरऑल एवरी टाइम मतलब आर फेवरेट वन। टिप्स हमने ली थी गार्लिक की, एंड आई वुड रेकमेंड गार्लिक ओनली बिकॉज वही फ्लेवर को इंटेंसीफाई करता है सारा। बाकी अरबी ग्रैच बड़ा अच्छा था, दैट वाज माय रेकमेंडेड आइटम्स टू। ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली वर्थ इट। तो भाई पिज्जा वगैरह खा लिया है हमने, थैंक्स टू बाजिल भाई। अब यहाँ से घर जाएंगे। तो जी घर आ चुका हूँ मैं। तो यार व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।